राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार 22 अप्रैल दिन शनिवार को है। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन करने से जीवन भर कोई कष्ट नहीं आता, धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस बार अक्षय तृतीया पर पंचग्रही योग के साथ 6 दिव्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही इस बार अक्षय तृतीया शनिवार के दिन होने से इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शनिवारी अक्षय तृतीया के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों, सनातन धर्म में पीपल वृक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण और गीता के अनुसार पीपल वृक्ष को भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण के साथ ही 33 कोटि देवी देवता भी पीपल वृक्ष में वास करते हैं। पितरों का निवास स्थान भी पीपल वृक्ष ही बताया गया है। पीपल वृक्ष शनि देव का भी वृक्ष माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीपल वृक्ष का पूजन करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष भी दूर हो जाता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। पीपल वृक्ष का पूजन करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर कर देती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा से धन में बरकत होती है और बरसों पुरानी गरीबी भी मिट जाती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे, बरसों पुरानी गरीबी दूर हो जाए, घर में धन की कोई कमी ना रहे, धन में बरकत हो, कर्ज से छुटकारा मिल जाए, तो आप एक स्टील के लोटे में शुद्ध जल लें और इसमें आप 1-2 चम्मच कच्चा दूध डालें। अगर गाय का दूध हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर आप इसमें 1 चुटकी शक्कर डाल लें और 1 चुटकी कुमकुम इस जल में डालकर अब इस जल को आप पीपल वृक्ष पर ले जाएं। पीपल वृक्ष के नीचे पहुंचकर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम कर समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करें, शनि देव और पितरों को प्रणाम करें, बजरंग बली को प्रणाम करें। अब आप यह जल पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम हिरिम हिरिम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम हिरिम हिरिम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर काम में सफलता मिलती है, जीवन धन संपदा से भरा रहता है। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं आती। जल चढ़ाने के बाद पीपल वृक्ष को दोनों हाथों से स्पर्श कर इस मंत्र का 8 बार जाप करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल की छाया में मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इस तरह पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। व्यापार में उन्नति होती है, घर में धन टिकने लगता है और धन में बरकत भी होती है। दोस्तों, अगर आप शनि दोष या ग्रह दोषों से पीड़ित हैं तो शनिवार के दिन आपको पीपल वृक्ष का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में शनिदेव कहते हैं कि जो मनुष्य नियमित रूप से मेरे दिन अर्थात शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का स्पर्श करेंगे उनके सब कार्य सिद्ध होंगे तथा मुझसे उनको कोई भी पीड़ा नहीं होगी। दोस्तों, शनिवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करने के बाद दोनों हाथों से पीपल वृक्ष का स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, इसलिए भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए पीपल वृक्ष को स्पर्श करने से सभी दुख कठिनाइयां और ग्रह दोषों के प्रभाव दूर हो जाते हैं। शनि देव की ढैया साढ़े साथी से भी राहत मिलती है। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और शिवजी के प्रसन्न होने से शनि देव भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते। दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे देवदान करने का भी विशेष महत्व होता है। शनि देव के दोषों से मुक्ति पाने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे
शनिवार की संध्या काल के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से शनि देव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। बजरंगबली का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और शनि देव से संबंधित सभी दोष दूर हो जाते हैं। इस दीपक में आपको थोड़े काले तिल जरूर डाल देने चाहिए। काले तिल शनि देव को अति प्रिय है। काले तिल डालकर दीपक जलाने से शनि देव जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पीपल वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीपल वृक्ष पर सूर्यास्त के तुरंत बाद दीपक जलाना चाहिए। लेकिन यह दीपक आटे का होना चाहिए। मिट्टी का दीपक ना लें, आटे का दीपक लें और इसमें सरसों के तेल की जगह आपको शुद्ध घी भरना है। शुद्ध घी ना हो तो अन्य घी या फिर आप चमेली का तेल भर सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के लिए यह जो दीपदान किया जाएगा इसमें सरसों का तेल ना डालें। दीपक जलाकर पीपल वृक्ष को हाथ जोड़कर प्रणाम कर कहें, हे वृक्षदेव, गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने आपको स्वयं अपना स्वरूप बताया है, इसलिए मैं भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर आपके सामने दीपदान कर रहा हूँ। आप मेरी परेशानी को दूर करें और आपकी जो भी परेशानी है, चाहे वह नौकरी संबंधी हो, व्यापार संबंधी हो, विवाह संबंधी हो या घर में कोई बीमार रहता हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, वह आपको पीपल वृक्ष के सामने इस प्रकार कह देनी है। समस्या कहते समय आपको पीपल वृक्ष का स्पर्श जरूर करना है और मन ही मन भगवान जी से इस समस्या को दूर करने की प्रार्थना करनी है। फिर आपको पीपल वृक्ष की 5 परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। दोस्तों, इस तरह पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण और 33 कोटि देवी देवताओं का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। कोई रोग है वह भी जल्द ही ठीक हो जाता है। सभी दोष भी दूर होते हैं, साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यापार में उन्नति होने लगती है, धन में बरकत होने लगती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे सभी दोष और बाधाएं दूर हो जाती हैं। बजरंगबली की कृपा से सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए और पितरों के कष्टों को दूर करने के लिए जब भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के नाम का आप दीपक जलाएं, तब इस दीपक में एक चुटकी काले तिल जरूर डाल दें। ऐसा करने से पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से पितरों के सभी कष्ट दूर होते हैं। तिल डालने के बाद आपको अपने पितरों के कष्टों को दूर करने की भी प्रार्थना जरूर करनी है और पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि आएगी, वंश वृद्धि होती है। दोस्तों, वैसे तो रोजाना पीपल वृक्ष का पूजन करना चाहिए क्योंकि यह देव वृक्ष है, लेकिन अगर रोज ना कर सके तो शनिवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन अवश्य ही करें। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या और पूर्णिमा और खास त्योहारों के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करना बहुत शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन पीपल वृक्ष से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवता चले जाते हैं और रविवार के दिन पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता का वास होता है। रविवार के दिन पीपल वृक्ष का पूजन करने से घर में कई तरह की परेशानियां आती हैं, धन दौलत खत्म हो जाती है, घर में दरिद्रता और गरीबी छा जाती है जिससे जीवन में हर प्रकार के कष्ट आते हैं, इसलिए रविवार के दिन भूल कर भी पीपल वृक्ष का पूजन ना करें। पीपल वृक्ष का पूजन करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के लगभग 1.5 घंटा बाद यानी कि लगभग 8 बजे के बाद आप पीपल वृक्ष का पूजन ना करें और पीपल वृक्ष के नीचे भी ना जाएं, क्योंकि रात्रि के समय भी पीपल वृक्ष में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, आपके व्यापार में, नौकरी में परेशानी चल रही है, जीवन में कोई कष्ट है,
आपको कोई बीमारी है या परिवार में कोई बीमार रहता है और बीमारी ठीक नहीं हो रही, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, कर्ज से संबंधित जो भी समस्या है आपको उसे पीपल के पत्ते पर कुमकुम से लिख देना है। पूजन में जो कुमकुम इस्तेमाल किया जाता है उसमें शुद्ध जल डालकर आपको उससे अपनी समस्या पीपल के पत्ते पर लिखनी है। पत्ता आपको तोड़ना नहीं है, पीपल के पेड़ में डाली में लगे हुए पत्ते पर भी आपको अपनी समस्या लिख देनी है। जैसे विवाह की समस्या है, नौकरी की समस्या है, तो आप उस पर पत्ते पर विवाह लिख दीजिए, नौकरी लिख दीजिए। इस तरह से आपको अपनी मनोकामना, अपनी समस्या इस पर लिखनी है। लिखने के बाद आपको पीपल के इसी पत्ते की डाली पर 7 बार लाल रंग का कलावा बांध देना है। कलावा मौली जो कलाई पर बांधा जाता है आपको वह इस पर बांध देना है। और फिर भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के साथ समस्त देवी देवताओं को प्रणाम कर पितरों और शनि देव को प्रणाम करें और आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना करें, जो भी समस्या है उसे खत्म करने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से भगवान जी की कृपा से बड़ी समस्या जल्द ही दूर हो जाती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं, कष्टों और दुखों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।